हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बैंकिंग सूत्रा चैनल और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेन अकाउंट्स जो कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट जिनका नाम है। और ये ऐसे अकाउंट्स जनरली ये पूछे भी जाते हैं डिफरेंट बैंकिंग एग्जामिनेशंस में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं, जैसे JIB हो गया, बैंक के प्रोमोशनल एग्जाम्स हो गए, IBPS हो गया। तो वहाँ पे पूछा जाता है ये किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। गाइस, जो हमसे हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे वीडियोस लाइक करते पसंद करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज बैंकिंग सूत्रा से भी कनेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहले अगर आपको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो अकाउंट के बारे में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए होम करेंसी और फॉरेन करेंसी के बारे में। तो जैसे अगर हम बात करें हमारी डोमेस्टिक कंट्री इंडिया है तो इसकी होम करेंसी क्या है? होम करेंसी है रुपी। कोई भी डोमेस्टिक कंट्री उसकी जो करेंसी होगी, जो उसके विद इन दैट कंट्री काम करेगी, विद इन दैट कंट्री यूज होगी फाइनेंशियल सर्विसेज को अचीव करने के लिए, वो होगी उसकी होम करेंसी। ठीक, बट अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। कोई भी डिफरेंट करेंसी अदर देन डोमेस्टिक होम करेंसी उस कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी होगी। ठीक है, युआन हो गया, दूसरी करेंसी हो गई पाउंड हो गई, ठीक है, जैपनीज येन हो गया, डिफरेंट करेंसीज जो भी होंगी वो फॉरेन करेंसी होंगी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल नोस्ट्रो अकाउंट की। नोस्ट्रो एक्चुअली में इटालियन वर्ड है और इसका मतलब होता है आवर्स। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस कोटेशन से याद रखेंगे इन डिफरेंट अकाउंट्स को, तो आपको हमेशा याद रहेगा आवर अकाउंट विद यू। मतलब डोमेस्टिक अकाउंट जब किसी फॉरेन अकाउंट मतलब फॉरेन कंट्री में बिलोंग करेगा तो वो क्या होगा? नोस्ट्रो अकाउंट। जैसे कि इंडिया में SBI, इसको मान लीजिए UK में एक अकाउंट खोलना है, यूके में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अकाउंट एक अपना खोलना है जहां पे उसकी ब्रांच नहीं है, ठीक, यूके, तो ये क्या करेगा? HSBC से कांटेक्ट करेगा और HSBC में अपना एक अकाउंट खोल लेगा। कौन? SBI। तो जो ये अकाउंट होगा, जो SBI का ये अकाउंट HSBC में खुला, वो SBI के लिए क्या हुआ? नोस्ट्रो अकाउंट, आवर अकाउंट विद यू, मतलब हमारा जो अकाउंट है आपके साथ, फॉरेन कंट्री के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट होते हैं, ये भी एक इटालियन वर्ड है और यहां पे इसका मतलब है योर्स, मतलब योर अकाउंट विद अस, जस्ट उल्टा। मान लीजिए HSBC जो कि यूके में है उसको इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, तो जो HSBC इंडिया में SBI में अपना अकाउंट खोलेगा, जो भी अकाउंट ओपन करेगा, वो HSBC के लिए क्या होगा? ओ सॉरी, SBI के लिए क्या होगा? वोस्त्रो होगा, मतलब योर अकाउंट। योर किसका? HSBC का, फॉरेन फॉरेन कंट्री का, फॉरेन बैंक का जो अकाउंट है विद अस। तो SBI के लिए, फॉर SBI दिस अकाउंट इज नोन एज वोस्त्रो, योर अकाउंट विद अस। नेक्स्ट आता है लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट का मतलब है, लोरो का मतलब है देयर्स, मतलब देयर अकाउंट विद देम। अब इसकी आवश्यकता कैसे पड़ेगी? मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया को यूके में ऑपरेशन करना है, ठीक, उसका कोई अकाउंट नहीं है HSBC में, उसको खुलाना पड़ेगा। तो अकाउंट ना खुला के अगर कोई शॉर्टकट वो ले, तो वो शॉर्टकट क्या होगा? उसे पता है कि SBI का एक अकाउंट है HSBC में जो कि यूके में, तो ये क्या करेगा? बैंक ऑफ इंडिया इस अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह का अकाउंट हो जाएगा लोरो अकाउंट, ठीक है।